ऑल ऑफ यू, आज हम लोग हिंदी क्लास में आपकी मात्रा पढ़ेंगे। हम लोग स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे। हम लोग अब मात्रा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अ और आ स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। तो अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए हम लोग आ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आ की मात्रा कैसी होती है, पहले उसको हम पहचान करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आ की मात्रा, फिर मैं यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिख रही हूँ। ये क्या है? आ है। और ये क्या है? आ की मात्रा, मतलब आ की मात्रा एक क्या होती है? एक पाई होती है। आपको सबसे पहले आपको याद करनी है ये स्वर है, और ये स्वर जो है ये आ है, और आ की मात्रा एक पाई होती है। क्या होती है? आ की एक मात्रा पाई होती है। सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि आ की मात्रा एक लंबी पाई होती है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, सभी स्वरों वर्ण में जोड़कर शब्द बनाएंगे। अब यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने वर्ड लिख दिया है, और इसी को जोड़कर हम लोग यहाँ पर शब्द बनाएंगे। जैसे ये आ है, ये क्या है? आ है। तो ये क्या लिख देंगे? पहले हम अ लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या है? आ की मात्रा है। तो अ और यहाँ पर आ की मात्रा हो गई, और यहाँ पर ये म वर्ण हो गया। तो ये क्या बन गया? आ। अब यहाँ पर सभी को क्या करना है, इसको जोड़कर आपको लिखने हैं। प, प में आ की मात्रा, आ की मात्रा पाई होगी। फिर ये क्या है? य। फिर क्या है? ल। तो क्या बन गया? पायल। फिर यहाँ पर ग, ग में आ की मात्रा। फिर ज, फिर र, तो क्या हो गया? गाजर। फिर है अ, अ के बाद क्या है? न। न में यहाँ पर देखिए आ की मात्रा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ की मात्रा और फिर र, तो ये क्या बन गया? अनार। अब यहाँ पर उ है, उ, प, ह। अब ह के बाद क्या है? आ की मात्रा, तो आ की मात्रा यहाँ पर लगा देंगे और फिर र, तो क्या बन गया? उपहार। अब इसी तरह सभी को क्या करेंगे, जोड़कर यहाँ पर लिखेंगे ज, हा, ज, जहाज। फिर ग, म, ल और आ की मात्रा गमला। फिर है म, म में आ की मात्रा, म आ की मात्रा, फिर ल, फिर आ की मात्रा, तो क्या बन गया? माला। फिर क, फिर आ की मात्रा और फिर र, तो ये क्या बन गया? कार। तो ये सभी जितने वर्ण हैं इसको जोड़कर आ की मात्रा लगाकर आपके शब्द बनाने हैं। अब यहाँ आ की मात्रा को जोड़ते हुए निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाने हैं। क्या लिखा हुआ है? आ की मात्रा को जोड़ते हुए, आ की मात्रा को जोड़ना है, ठीक है? तो आ की मात्रा को जोड़ते हुए निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाए। तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, तो इसमें क्या करना है? आ की मात्रा को जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है? अब वहाँ पर तो हम लोग दिया हुआ है तो डायरेक्ट जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आ की मात्रा से यहाँ पर शब्द लिखेंगे। तो क और र, कर है, तो इसमें देखेंगे कि आ की मात्रा कहाँ लगेगी? तो क, तो क में क्या लगेगा? आ की मात्रा। आ की मात्रा, आ की मात्रा कैसे होती है? पाई होती है। और यहाँ पर र, तो क्या बन गया? कार। फिर नए शब्द बनाने में आ की मात्रा जोड़ना है, त और न, तन। तो यहाँ पर त लिख देंगे, और त में क्या लगा देंगे? आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसे होती है? तो आ की मात्रा क्या होती है? पाई होती है। और न, तो क्या बन गया? तान। इसी तरह सभी इसमें क्या करेंगे, हम लोग आ की मात्रा लगाएंगे और यहाँ पर नए शब्द को बनाएंगे। तो शाल, शाल। थ, आ की मात्रा ल, थाल। ज, आ की मात्रा और ल, जाल।
ग आ की मात्रा ल गाल म आ की मात्रा न मान ध आ की मात्रा न धान। तो ये सभी क्या करना है, इसमें आ की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। ये आपके समर वेकेशन में भी है, तो जो आप लोग नहीं बनाए हैं इसको आप देखकर बनाएंगे और वो आ की मात्रा जोड़ना है। इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आ की मात्रा को याद कर लेंगे कि आ की मात्रा पाई होती है और जहाँ पर आ की मात्रा लगाने लगाकर शब्द बनाने हैं।